एक वायरल वीडियो को नहीं अनुभव ना रे पूरी घाट थाना रे इत्तला दे थिले वर्षा प्रियदर्शनी अभियोग करी थिले एपरी वीडियो वायरल करी तांको विरोध रे अपप्रचार करा जाउछि तांको भूल भाबे चित्रण करबा को उद्यम हेउछि एहा परे शनिवार संध्या रे पुणी थरे थाना को जाई तांको रूम रे ताला पकाई दिया जायतिबा अभियोग आनिथिले वर्षा वर्षाक अभियोग आधार रे मामला रुजु करछि पुलिस आईपीसी धारा 498 ए अर्थात स्वामी किंबा स्वामी को संपर्कियों माने निर्यातना देबा धारा 341 अर्थात जण को बेआईन भाबे अटकाइबा धारा 506 अर्थात धमक दे भयभीत करबा एई सब दफा लगाई मामला रुजु करा जाय छि सेपटे पुलिस डीजी को चिट्ठी लेखी सुरक्षा मांगी छंती सांसद अनुभव महांति परदार सबुठ हिट जोड़ी को नहीं आरंभ होता बिवाद नुआ नुआ घटना मान सामना को आसुची सोशल मीडिया रे घटना को नहीं जेतिकी चर्चा ताठारु अधिक बिवाद एबेकार नुआ कथाटी है ओलीउड रही सुपरस्टार तथा बीजेडी सांसद अनुभव महांती ना मामला होती वर्षा प्रियदर्शनी एतला आधार में मामला रुजु कर पुरीघाट थाना पुलिस घर हिंसा और निर्यातना नहीं वर्षा एतला कर अनुभव को दुई सहयोगी मामला रुजु कर अनुभव और तहयोगी एने पुलिस पचराउचरा कर दुई दिन तले भाइराल होता यह भिडियो को देखु वर्षा और अनुभव को जुक्ति तर्कर यह भिडियो भाइराल होता ए भाइराल भिडियो नहीं अभियोग कर वर्षा गोटे आम पाखे ये एलिगेशन आसला कि वो मैंने 498 और 506 आईपीसी एलिगेशन आसला केस रजिस्टर और इन्वेस्टिगेशन चलु सुरक्षा लोड़े सांसद पुलिस डीजी को लिखले चिठी सेपटे पुलिस डीजी को चिठी लिखी सुरक्षा मागिंट सांसद अनुभव महांती से अभियोग प्रति एवं तांको परिवार प्रति षड्यंत्र चली चिठी सह पुलिस डीजी पाखे किसी घटना को दर्शाई अनुभव चिठी विरुद्ध में चक्रांत करुवा व्यक्ति ना दर्शाई किसी दिन तले वर्षा प्रियदर्शनी और दुई भौणी सहित फोन कथा होवर एक ऑडियो सोशल मीडिया भाइराल होता एवार विरोध में षड्यंत्र होता अभियोग अनुभव तेणु यह ऑडियोर सत्यासत्य जांच करने को से दावी कर जदि ऑडियो मिछ होता है दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान ने से दावी कर नेक्स्ट हियरिंग रे किसी गुरुत्व रही ना किंतु कौन सी पक्ष जदि कोर्टर दृष्टि आकर्षण करती जमी किसी ट्विट होता कि परस्पर परस्पर विरुद्ध कौन सी अधिकारी पाखे अभियोग आनी तो कोर्ट दृष्टि आकर्षण कले कि ना कि अर्डर से उपर किसी निर्देश करें जोड़ी जेतिक हिट बिवाद सेतिक हिट पूर्वर लागी रही आरोप प्रत्यारोप पर्व वर्षा अभियोग अनुभव जड़े मद्यप खराब भाषा गाली करते माड़ मारती बाड़ी रे पिटंती पोको माछी भली व्यवहार करती अनुभव को अभियोग संपर्क रखुन वर्षा पत्नीर दायित्व तुलाउन अभिनेत्री संपर्क मिछ पर खराब व्यवहार करुले परदार एक हिट जोड़ी 6 वर्षर बहुत पर उठी झड़े दुईफाड़ हो जाती पति पत्नी वर्षा कोर्टे दाखल कर 8 पृष्ठा संबलित पिटिशन रे निज बाहर आरंभ कर वर्तमान पर्यंत से किभली निर्यातनार सामना करार सविशेष तथ्य देते पिटिशन रे कौन लिखी वर्षा नजर पकातु अनुभव जड़े अभ्यासगत मद्यप निजे बेडरूम सांग मानक धरी मद्यपान करती से आपत्ति कले अशाड़ीन भाषा गाड़ीदेवास बाड़ था मद पीवा परे सबुकिछि भूली जाइथांदि अनुभव ओ हिताहित ज्ञान हरैथांदि राति तमाम मद पियंति अनुभव बाहर मद्यपान करि फेरिले घरे असभ्य व्यवहार करिथांदि अनेक थर तांको गोइठा मारि घरु बाहर करि दैछन्दि मद न पीवा पई अनेक थर प्रतिश्रुति दैछन्दि किंतु किछि परिवर्तन होइ नै अनुभव अनेक महिलांग सह संपर्क रखिछन्दि एहाकु अनुभव को परिवार लोके समर्थन करन्दि उभय स्वामी स्त्री फिल्म करुथले मध्य तांको मिलु नथिला प्राप्य सबु अनुभव नहीं जाऊ
ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମାଜର ଭୟ କାରଣରୁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓ କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କଟକରେ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାତି ଛୁରୀରେ କାଟି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପରିବାର ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶୁଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ। ମେ 25 କଟକ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ବାଘ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଜୁନ 7 ରାତି 10 ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା 2 ଧରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଜୁନ 11 ତାଙ୍କୁ ସହମତିରେ ଡାଇଭର୍ସ ନେଇଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଥାଇକି ତାପରେ ଯଦି ସେହି ମାମଲା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ କୌଣସି ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ ହେଉଛି କି ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ନିହାତି ଶୁଣାଣି ହେବା ଦରକାର, ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ଡିଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଡିଲେ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସାମୟିକ ଭାବେ ଉଭୟ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବସି ସମୟ ବି ଅଛି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ସମୟ ବି ଜଜ୍ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ଖରାପ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ଭଲ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିକି କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ପୁଣି ମିଶିଯିବେ କି, ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯଦି ଏମାନେ ଉଭୟ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘନଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହା କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କଟକରୁ ସମୀରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।